नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं सुप्रिया पुंडीर और आज हम जानेंगे हिंदू हेरिटेज मंथ के बारे में। हिंदू विरासत माह उत्तरी अमेरिका के सभी प्रमुख हिंदू संगठनों के बीच एक संयोगी पहल है। हाल ही में अमेरिका के कई स्टेट्स में हिंदू हेरिटेज मंथ मनाने की मांग की गई थी, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अमेरिका के इतिहास में भारत का बड़ा अहम योगदान है और आज भी ज्यादा से ज्यादा भारतवासी अमेरिका की सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसी पहल के चलते अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के तौर पर मनाया जाएगा। अक्टूबर का महीना इसलिए खास है क्योंकि इस महीने ना सिर्फ दिवाली मनाई जाती है, बल्कि इस महीने में भारत को आज़ादी दिलाने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों में से एक महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। Now, therefore, I, Cecil Willis, by the powers vested in me as the mayor of the city of Stafford, Texas, do hereby proclaim the month of October 2021 as Hindu Heritage Month. यूं तो हिंदू हेरिटेज मंथ का प्रारंभ 2013 में किया गया था, पर पहले ये सिर्फ कुछ ही यूएस स्टेट्स में औपचारिक रूप से घोषित किया गया था, पर अब लगभग 6 से ज़्यादा स्टेट्स में औपचारिक रूप से घोषित करने की मांग की जा रही है। यही नहीं, हाल ही में कनाडा में स्थित अल्बर्टा ने अगस्त के महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है, और 2016 में ओंटारियो ने नवंबर महीने को हर साल हिंदू हेरिटेज महीने की तरह मनाने का ऐलान किया था। नवंबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित करके ओंटारियो प्रांत उन महत्वपूर्ण योगदानों को मान्यता देता है जो हिंदू कनाडाई लोगों ने ओंटारियो के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने में किए हैं। हिंदू विरासत माह हिंदू कनाडाई लोगों के बारे में भविष्य की पीढ़ियों को याद कराने, जश्न मनाने और शिक्षित करने का एक अवसर है। ओपन सोर्स मॉडल के आधार पर हिंदू विरासत माह का उत्सव उस विविधता को प्रदर्शित करेगा जो हिंदू सभ्यता के लिए बहुमौलिक है। प्रत्येक भाग लेने वाला संगठन अपने कार्यक्रम के तरीके के साथ साथ कार्यक्रम भी तय करेगा। एक निश्चित दिन में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम हो सकते हैं। समारोह कई रूप ले सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन शो, वेबिनार, बहुदिवसीय सम्मेलन या फिर वॉकथॉन। इन कार्यक्रमों में भागीदारी उन सभी संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए खुली है जो हिंदू धर्म में सनातन मूल्यों की पहचान करते हैं। इस बार इस रोमांचक उत्सव में 30 से अधिक संगठन पहले ही हाथ मिला चुके हैं और निकट भविष्य में कई और लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि कोविड-19 के चलते ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल रूप से मनाए जाएंगे। विदेशों में हिंदू सभ्यता को पहचान दिलाने वाली इस मुहिम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।